एनओ प्लस की अगर हम लोग बात करें तो एनओ प्लस में इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया? हाँ, एनओ प्लस की अगर बात करो तो नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, और 1 प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो निकल गया तो माइनस कर दो, तो 7 प्लस 7 का बन गया, देख पा रहे हो? तो यानी 14 सिस्टम बन गया, 14 सिस्टम यानी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 आएगा, नाइट्रोजन वाला बन गया सिस्टम। तो इसका मतलब जो हमारी स्पीसीज दी हुई है उसमें से किसका इक्वल आया, किसका ज़्यादा आया, किसका कम आया, ये देख लेते हैं हम लोग। जो हमने एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें N2 का, CN- का और NO+ का, इन सब का इक्वल आया 3, है ना? क्योंकि सब में आपका 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया था, तो इन सब का क्या आ गया, इक्वल बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखें तो NO+ का भी सेम है, CN- का भी सेम है और N2 का भी सेम है, ठीक है? 3, CN- का भी 14 इलेक्ट्रॉन आ गए थे ना भाई, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, और 1- का चार्ज हो गया तो 8 हो गया टोटल, तो 8 प्लस 6 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन का कोई भी बनेगा तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो यही आएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये 3 था और N2+ का 2.5 था, तो N2+ का उससे कम होगा, N2- का भी 2.5 था, तो इन तीनों से इसका कम हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ये तो बॉन्ड ऑर्डर की बात हो गई, अगर पूछ लिया जाए कि बॉन्ड लेंथ बता दो तो भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है उसकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाता तो हम ये लिख पाते। देखो, बॉन्ड लेंथ अगर पूछ ली गई तो बॉन्ड लेंथ क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो अब ऐसे लिख देंगे हम लोग N2+ और N2- की बॉन्ड लेंथ तो सेम आएगी, लेकिन इनकी बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि कम था तो बॉन्ड लेंथ इनकी ज्यादा आएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था इनका और इनका तो 3 था ना, तो इनकी बॉन्ड लेंथ कम पे चली जाएगी। NO+ CN- इक्वल का मतलब सेम है, क्लियर है बात? और एनर्जी का ऑर्डर भी यही होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी यही है, ठीक? अब इसमें से पूछ लिया जाए कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक, तो वो देखना पड़ेगा हमको, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो फिल कर रहे हैं हम लोग उसमें कितने क्या आ रहा। यहाँ पे अगर देखो तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या N2 में? देख पा रहे हो सारे डबल डबल दिख रहे हैं ना N2 में, तो N2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो डायमैग्नेटिक, ये वाली स्पीसीज हो गई डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट में देखो ये 14 से 13 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, तो यानी ये हो गई पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो गई। अब अगली देखो, अगली में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगली में 15 होंगे, 14 से 15 हो गए, तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। फिर अब हम चले जाते हैं फिर से CN- पे, तो 14 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन में तो पेयर्ड हो जाएंगे सभी, तो डाया। अगले को देख लो NO+ को, इसमें भी 14 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाया। क्लियर है सबको बात? इस तरीके के क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे।
अब देखो, अब आगे हम लोग बात करें अगर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सब पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, है ना, ये टर्म बोलते हैं। जैसे मान लो हमने बोला कि कोई बॉन्ड है, मान लो ये एच एफ का बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको हम वैसे तो जनरल वे में बोलते हैं ये वन बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन अगर केमिस्ट्री के वैसे टर्म्स में बोलूँ तो वन मोल ऑफ बॉन्ड बोलते हैं, या वन मोल बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोई भी बॉन्ड है, अगर वो वन मोल बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो उस पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। और अगर आपका ये बॉन्ड एनर्जी भी सेम सा टर्म है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी बेसिकली बोला जाता है कि जब एसोसिएट होके कोई वन मोल बॉन्ड बन रहा है तब की बात होती है। अब बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने आपको बताया था क्या, पहले लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम लोग किससे, बॉन्ड हैबर साइकिल से, जो साइकिल बताया था आपको एक बॉन्ड हैबर साइकिल, उससे फिर हम लोग बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना थोड़ा सा ईजी होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर आपके सिंगल बॉन्ड है तब तो सीधे सीधे निकल जाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्ट्रेट कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके कई बॉन्ड हैं, मल्टीपल बॉन्ड हैं, ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो निकालते हैं हम लोग वो एवरेज निकालते हैं। अब ये जो बात मैंने बोली इसका मतलब हम लोग पहले समझते हैं, क्या मतलब है। देखो जैसे मान लो, सपोज ये CH4 मॉलिक्यूल है मीथेन का, तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखो तो चार CH बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जब इसका एक ये CH बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो मान लो कोई एनर्जी निकल रही है एक्स किलो कैलोरी, ठीक है, तो अब ये H निकल गया तो अब ये CH3 बन जाएगा। अब ये जो CH3 बन गया है, इस CH3 में से अगर फिर से हमें एक H निकालना है, एक और बॉन्ड तोड़ना है, एक और ब्रेक करना है, तो CH2 बनेगा। ऐसे धीरे धीरे करके अगर हम सारे बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो पहला एक जो CH बॉन्ड टूटा उसकी एनर्जी अलग है, दूसरा जो, जबकि इक्वल बॉन्ड है, दूसरा जो CH बॉन्ड टूटता है उसकी एनर्जी अलग होती है, तीसरा जो CH बॉन्ड टूटता है उसकी एनर्जी अलग होती है, और लास्ट में जो चौथा टूटता है उसकी एनर्जी अलग होती है। तो सबकी एनर्जी अलग अलग आ गई। अब डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, कुछ यूनिट्स का ही डिफरेंस होता है, लेकिन अब हमें बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है। चारों बॉन्ड हमें बाहर से देखने में सेम लग रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी अब हम चारों के लिए अलग अलग बताएं कि भाई इस CH बॉन्ड की ये है, इस CH बॉन्ड की ये है, इसकी ये है, इसकी 10 है, इसकी 15 है, इसकी 20 है, ऐसे बताएं। वो थोड़ा सा एब्सर्ड वे लगता है और वो ईजी भी नहीं होता। तो क्या किया जाता है इसमें, जिनकी बॉन्ड एनर्जी, जो सेम बॉन्ड है और बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल सिमिलर टाइप की है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें हम लोग निकालते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो क्या किया जाता है, मान लो जैसे कि चार बॉन्ड है ना उसके ब्रेक होने में, तो क्या किया जाता है, चारों बॉन्ड की एनर्जी निकाल लेते हैं। मान लो कि फर्स्ट बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है CH वाला, तो उसमें मान लो आपकी एक्स किलो कैलोरी लग रही है, एक्स कैलोरी लग रही है सपोज। अब सेकेंड जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है CH वाला, तो मान लो वाई लग रही है। थर्ड जो हो रहा है उसमें आपकी जेड लग रही है, ठीक है, और फोर्थ जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, चार ही बॉन्ड है ये CH वाले, तो ये जो चौथा CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें मान लो एक कैलोरी एनर्जी लग रही है। अब क्या करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है मॉलिक्यूल में, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे चारों बॉन्ड की एनर्जी को और फोर से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। क्लियर है बात?
बोलेंगे दो दो यूनिट का अंतर है, सारे बॉन्ड बैठ के रो रहे हैं, या जो कैलकुलेट कर रहा है वो बैठ के बेचारा रो रहा है, यार ये दो दो यूनिट का अंतर है। इतना डिफरेंस भी नहीं है कि हम अलग अलग इसको बताएं, हम इसकी बॉन्ड एनर्जी को एक साथ बताना चाहते हैं कि इसका एक बॉन्ड टूटता है तो इतनी एनर्जी। तो क्या किया, बोला अच्छा इतना चक्कर है तो एवरेज निकाल लो, तो एवरेज निकाल के एवरेज बता दिया जाता है ऐसे केसेस में। क्लियर बात? जैसे अगर हम लोग कैलकुलेटेड, हाँ क्या बोल रहे बेटा, हाँ, तो चारों को सेम बोल दिया ना, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। जैसे एक डेटा बताती हूँ आपको, देखो जैसे मान लो CH4 में जब पहला बॉन्ड तोड़ते हो ना, फर्स्ट तोड़ो, ठीक है, फर्स्ट CH बॉन्ड को ब्रेक करो, एक CH3 अलग हो जाए, एक H अलग हो जाए, तब आपकी 102 लगती है किलो कैलोरी पर मोल। फिर जब सेकेंड को तोड़ते हो ना, तो सेकेंड में 105 लगती है, 3 किलो कैलोरी का ही डिफरेंस है एक मोल में, ठीक है। थर्ड जब तोड़ते हो तो ये 108 आता है। फोर्थ जब तोड़ते हो आप, मॉलिक्यूल छोटा होता जा रहा है ना, 83 किलो कैलोरी पर मोल लगता है। तो क्या करते हैं, जहां पे इस तरीके का चक्कर पड़ता है कि अलग अलग आती है, वहां पे हम लोग एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज निकालोगे तो होता है अपनी अपने कैलकुलेशन या अपने इंटरप्रिटेशन को इजी करने के लिए क्या कर लिया जाता है, हाँ ये आ जाएगा एवरेज अपना। क्लियर है इतनी बात? आपको कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, बट जानना चाहिए कि हाँ कैसे निकाला जाता। क्लियर? अब देखो ये हमने बात कर ली बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड लेंथ की अगर बात करो तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें हम, तो जैसे मान लो ये ए एक एटम है, ये बी एक एटम है, और बीच में इनके न्यूक्लियस हैं, दोनों एटम के न्यूक्लियस तो बीच में ही होंगे सेंटर, ठीक है। इनके बीच का न्यूक्लियस, ये दोनों बॉन्डेड है, बॉन्ड बनाए हुए, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं है, बॉन्डेड एटम्स हैं। तो जिनके बीच में बॉन्ड बन चुका है, अगर उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। उस बॉन्ड की लेंथ हो जाती है, जितना भी डिस्टेंस है उनके बीच में उसको बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। जैसे मान लो एच है और दूसरा एफ है, ये दोनों किसी बॉन्ड से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, आपसे पूछा जाता है किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है। तो देखो अब इसमें कुछ याद रखेंगे हम लोग कि फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स, जैसे मान लो पहला जो फैक्टर है वो बोला जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कर दो, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ पे क्या अंतर आना चाहिए, क्या सोचते हो आप? जैसे चार केसेस दिए सपोज, एक एच एफ है, एक एच सी एल है, एक एच बी आर है, एक एच आई। कोई आइडिया है? हाँ आइडिया है तो बताओ। हुँ।
तो उससे क्या होगा? देखो, हाँ बात तुमने सही पकड़ी है। जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कुछ आता है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, ई एन डिफरेंस, डेल्टा ई एन बोल सकते हैं इसको। मान लो यहाँ पे डेल्टा ई एन टू आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ पे मान लो डेल्टा ई एन आता है 1, यहाँ पे मान लो डेल्टा ई एन, सपोज ये सपोज्ड डेटा है, 0.5 आता है, फिर यहाँ पे डेल्टा ई एन आता है 0.2। ठीक है, डेल्टा ई एन का मतलब क्या है कि ये जो शेयर्ड पेयर है इसको खींचने की पावर है, तो इसमें डेल्टा ई एन इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। देख पा रहे हो, फ्लोरीन बहुत तेज़ी से खींच रहा है बॉन्ड को, तो इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये बहुत तेज़ी से खींचेगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा ना ये छोटा हो जाएगा और स्ट्रांग भी हो जाएगा। मतलब अगर बॉन्ड की एनर्जी की बात करो तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत होगी, इन तीनों के कंपैरिजन बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होगी इसमें। और एनर्जी जब किसी बॉन्ड की ज्यादा होती है तो स्ट्रांगली वो एक दूसरे को खींचते हैं, पुल करते हैं, तो जो उसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। भाई ये एटम और ये एटम बहुत पास आएंगे, उनके न्यूक्लियस बहुत पास आ जाएंगे, बहुत स्ट्रांगली पुल करेंगे एक दूसरे को, तो उनकी बॉन्ड लेंथ अपने आप कम हो जाएगी। तो इसका मतलब HF के केस में बॉन्ड लेंथ लोएस्ट होगी, सबसे कम होगी अगर चारों को कंपेयर करो। और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्लियर है बात? अब देखो और क्या फैक्टर काम करते हैं, और क्या क्या चीजें देखते हैं हम लोग, जैसे साइज को भी देख सकते हैं। अगर साइज देखो अच्छा, इसको एक बार और सोचो आप लोग, ये पूरी तरह से सही है क्या, एक बार सोचो। 12th क्लास के भी स्टूडेंट है ना, सही है ये स्टेटमेंट जो लिखे गए हैं दो? सही है, सही लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसमें ऑर्डर अब लिखना है, तो सबसे कम इसकी है, फिर इसके बाद इसकी हो जाएगी, फिर इसके बाद इसकी, क्योंकि अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा ना, इसमें एच और एफ में सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद एस सी एल में उससे कम हो गया, फिर एच बी आर में उससे कम, एच आई में उससे कम, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आई की होगी इन चारों में, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन में, तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा एच एफ में आएगा और बाकी में इतना डिफरेंस आएगा नहीं। तो अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करो तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एच एफ में, फिर एस सी एल में, फिर एच बी आर में, फिर एच आई में, और बॉन्ड लेंथ की अगर बात करो तो सबसे छोटा बॉन्ड होगा एच एफ में, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो सबसे छोटा हो जाएगा, एक दूसरे को बहुत तेज पुल करेंगे, सबसे बड़ा बॉन्ड इसमें। क्लियर है बात? बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड का आपको पता ही है कि बॉन्ड ऑर्डर से कैसे डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन है, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां पे बॉन्ड लेंथ कम। जैसे
अगर सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, सी और सी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर देखो तो यहाँ पे आप देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखो तो 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखो तो 3। ये बात क्लियर है सबको? अब अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, देख पा रहे हो 1 2 3, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इनवर्स चलेगी ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी तो सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में, पूछा जाता है सिंगल बड़ा है कि डबल बड़ा है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। क्लियर है बात? अब अगर बात की जाए, ये तो बात हो गई बॉन्ड ऑर्डर की, दूसरी बात की जाए, एक और तीसरा फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो sp, sp2 और sp3 की बात की जाती है, ठीक है? तो इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम देखें तो एक बात किया जाता है कैरेक्टर का, जिसको बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। मतलब उस हाइब्रिडाइजेशन में एस का कैरेक्टर कितना है, अगर वो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लें तो उसको बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कहीं sp है, कहीं sp2 है, कहीं sp3 है, तो पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं, फिर देखते हैं जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। sp में निकालना है परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो देखो यहाँ पे अगर ऑर्बिटल देखो तो एक s और एक p दोनों ही क्या है, 1 1 है, और s का परसेंटेज निकालना है, जैसे फ्रैक्शन हम लोग निकालते थे बचपन में, कि मान लो ये 4 इक्वल पार्ट है और एक शेडेड है, तो शेडेड का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करते हैं, शेडेड कितने पार्ट हैं, एक पार्ट है 4 इक्वल पार्ट में, और टोटल कितना है 4, तो 1/4 आ जाता है शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। वैसे ही यहाँ पे निकालना है। sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, एक, और टोटल कितने हो गए, एक एस और एक पी, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ एस का निकालना है तो s 1 है और टोटल कितने हैं 2, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 आ जाएगा। ऐसे ही अगर sp2 की बात करो तो एक एस और 2 p हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ही निकालना है, पी भी निकलता है 100 में से माइनस करके, या ऐसे भी निकाल सकते हैं सॉल्व करके, लेकिन हमें यहाँ पे किसका काम है, परसेंटेज एस कैरेक्टर का, इसलिए वही निकालना है। अगर एस निकालना है तो एस यहाँ पे 1 है और पी 2 है, तो टोटल तो हो गया आपके 1 + 2, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 33% आ जाएगा। जैसे फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग, उसी तरीके से परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता हो तो। तो जैसे ये मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन के ऊपर, तो sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब sp में एक s है और एक p है, ठीक है, एक s और एक p है, और s का परसेंटेज निकालना है, जैसे किसी का शेडेड का फ्रैक्शन निकालना है वैसे ही s का परसेंटेज निकालना है। तो एस का निकालना है तो एस तो एक ही है, डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं तो टोटल कितने ऑर्बिटल है, एक एस एक पी, तो 2 हो गए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज है तो 50% आ गया। अगर हम sp2 हमारे पास हो तो यहाँ पे एस एक ही है और पी आपके हो गए 2, और टोटल अगर करोगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ निकालोगे तो 33.3। अब अगर हमें निकालना है sp3 में, तो sp3 में क्या हो जाएगा, हाँ 25 आ जाएगा, एस का तो एक ही है और पी के हो गए 3, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया तो 25% आ जाएगा। अब देखो
अगर एसपी से एसपी 2, एसपी 2 से एसपी 3 पे जाते हैं तो परसेंटेज एज कैरेक्टर डाउन हो रहा है 50 से 33, 33 से 25। तो परसेंटेज एज कैरेक्टर अगर डाउन हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। हाँ जी, एसपी एसपी टू ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनिक में ऐसे आप इससे सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं, बाकी इसके बाद हम लोग आपको जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बताते हैं, है ना। ये sp3 है तो यहाँ पे परसेंटेज इस कैरेक्टर था 50%, यहाँ पे था 33%, और यहाँ पे कितना था 25%। तो ये लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो परसेंटेज इस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर डाउन होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, अपोजिट चलेगा ना। क्लियर है बात। चलिए अब क्या आप पूछ रहे थे। हाँ हेमांग बताइए। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे ये बोल रहे हैं। जैसे बी, हम बी पे हमने कैलकुलेट किया कि बी का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी होता है, क्योंकि इसका लीनियर शेप होता है इस तरीके का, है ना। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बी के ऊपर, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाने में। आउटर शेल के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लोन पेयर इसके पास कोई होता नहीं है, तो बीपी होता है इसके पास 2, एलपी इसके पास होता है 0। तो स्टीयरिक फैक्टर जो आ गया वो 2 आ गया, बीपी प्लस एलपी, तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया एसपी। अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज इस कैरेक्टर वैसे निकल जाएगा, वही आएगा सेम टू सेम 1/2। क्लियर। तो यानी परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता जाएगा और बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, अपोजिट चलेंगे, और घटाते जाओ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब एक और बात है यहां पे, बॉन्ड एंगल की भी बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है, मान लो 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो ये जो 2 बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड्स के बीच में कितने का एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। एडजेसेंट कोई भी 2 बॉन्ड ले लो, जैसे मान लो हम लोग लेते थे CH4, तो CH4 को हमने बोला था टेट्राहेड्रल होता है ऐसे, तो ये एक बॉन्ड देख पा रहे हो, ये दूसरा बॉन्ड, इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखो तो उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये कोई भी 2 को ले सकते हो आप, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, तो ये जब बॉन्ड एंगल निकालोगे तो 109 आता है मीथेन, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, पेपर में जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। एक बार दिखाया था ना आपको क्ले से बना के मैंने, है ना। तो 120 नहीं समझेंगे, अभी किसी ने 120 बोला था क्या, अच्छा 90 बोला था, नहीं 90 नहीं, 90 तो दिख ही नहीं रहा, कौन बोल रहा है 90, जल्दी बताओ। ज्योमेट्री खराब हो गई तुम लोग की केमिस्ट्री के साथ, कौन बोला था 90। हाँ मैथ तुम लोग ऐसे ही करो, है ना, तो मेरा तो करोगे ही नाम रोशन, मुझे पता ही है, केमिस्ट्री में तो कर ही देते हैं बच्चे नाम रोशन, मैथ्स में भी कर दो। 90 इज दिस, क्लियर कट अगर बन रहा है कहीं ऐसा, ठीक है। ये देखो ना, थोड़ा सा टिल्टेड तो मैंने बनाया ही है, इतना गंदा तो नहीं बनाया, ठीक है।
जैसे BF3 दिखाते हैं हम लोग, तो BF3 ऐसा कुछ दिखाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होते हैं तीनों बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये तीनों एक ही प्लेन में, तो ये 120 बनाता है। बॉन्ड एंगल कितने का होता है इसमें? 120। जैसे अगर हम लोग बात करें C2H2 की, तो C2H2 को देखते हैं। C2H2 का स्ट्रक्चर वैसे भी मुझे आपको बताना था। हाँ, C2H2 में जो कार्बन होता है ना, ये है sp हाइब्रिडाइज होता है। तो sp हाइब्रिडाइज का मतलब लीनियर होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे हाइड्रोजन कहाँ से अटैच होगा, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होगा? तो बेसिक वैसा स्ट्रक्चर अगर देखो तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब मैंने बताया आपको, एक सिग्मा और दो पाई। क्लियर है यहाँ तक की पिक्चर? अब देखो, इसका C2H2 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना था, बताना था, वो नहीं बताया था, तो उसको बता देती हूँ लगे हाथ आपको। कार्बन का स्ट्रक्चर ये है, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक। ये है GS, ग्राउंड स्टेट। दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन इस पे अटैच होने, sp हाइब्रिडाइजेशन बनना है कार्बन का। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि एक s और एक p, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है और p में दो इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या करें, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं। एक्साइटेड में ले जाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो अब देखो अब क्या सीन बनेगा। चार आ गए एनपेयर, ठीक है। अब होता क्या है, ये वाला एस और ये वाला पी कंबाइंड करता है, केवल ये एस और ये पी कंबाइंड करता है। एक ही अगर एस कंबाइंड कर रहा है और एक ही पी कंबाइंड कर रहा है, तो sp ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। और कितने बनेंगे? टू। तो क्योंकि एक ये s और एक ये आपका 2s वाला और एक ये 2p वाला कंबाइंड कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने तो हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, तो दो तो चले गए, एक s का और एक p का, ये हाइब्रिडाइज हो गए। अब ये जो दो बचते हैं ना पी के, ये दो क्या होंगे? ये आपके हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, ये पड़े रहेंगे अनहाइब्रिडाइज। दो ने तो हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, sp बना लिया, यानी कि लीनियर इस तरीके से। अगर एक कार्बन को देखो, ये एक कार्बन है मान लो, इसके सेंटर को देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये एक कार्बन है, तो इसका एक हाइब्रिडाइज ये होगा, दूसरा ये होगा। लीनियर का मतलब यही तो होता है, यस और नो, ठीक। अब आप बोलोगे ये तो C2H2 है, तो दो कार्बन होंगे, तो दोनों sp हाइब्रिडाइज हो जाते हैं इसमें दोनों ही। तो एक और एडजेसेंट कार्बन होगा। अब ये पहले कार्बन की पहले बात कर लेते हैं। इस कार्बन के पास अगर देखो आप, तो एक एस और एक पी मिलके दो नए sp बना लिए, वो हमने डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, ये sp sp दो, ठीक। अब आप बोलोगे ये दो जो बने हुए इनको भी डायग्राम में दिखाओ, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना है, तो दिखा देते हैं भाई। इनको अगर दिखाना है तो हम ऐसे दिखा देते हैं अलग कलर से। एक मान लो ऐसे है, ठीक है, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया है। एक मान लो ये वाला है, देख पा रहे सब लोग? अब ये जो C2H2 का मॉलिक्यूल है, इस C2H2 में दो कार्बन है, दोनों ऐसे ही हैं, तो दूसरा वाला भी एक कार्बन होगा, उसका भी ऐसे ही हाइब्रिडाइज होगा। एक sp है, एक sp है दूसरे कार्बन का, और इसके पास भी इसी तरीके से होंगे दो अनहाइब्रिडाइज। एक ये बड़ा सा बनाते हैं उसके इक्वल, तभी सही दिखेगा।
लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो इलेक्ट्रॉन ही दिखाने, बता देते हैं अभी। ठीक है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये वाला कार्बन का एक जो ऑर्बिटल है ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है, और ये भी sp है। ठीक है, बेसिक में हम लोग sp df यही पढ़ते थे, अब हाइब्रिडाइज वाले आ गए तो इनका नाम क्या, sp 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 sp। अब एक sp और एक sp के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है लीनियर वाली। ठीक है, तो इसको यहां पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है बात? C2H2 में हमने क्या बताया था, कितने बॉन्ड होते हैं, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, और यहां पे दो पाई बनेंगे। तो एक एक तो ये सिग्मा बन गया, इस sp और sp के बीच में एक एक सिग्मा क्रिएट हो गया। ठीक, अब एक इधर sp और एक इधर sp, अब ये हाइड्रोजन के पास भी तो 1s होगा, ये इसके साथ बनाएगा, यहां पे ओवरलैपिंग करेगा। तो यहां पे अगर ओवरलैपिंग देखो तो किसके किसके बीच में होगी, sp और s के बीच में होगी। देख पा रहे हो सब लोग ओवरलैपिंग किस किसके किसके बीच में हुई, sp और s के बीच में। यहां पे भी अगर ओवरलैपिंग देखो आप तो sp और s के बीच में हो गई। तो एक बॉन्ड ये वाला है, देख रहे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तीन सिग्मा की तो बात हो गई, अब दो पाई की बात कर लेते हैं। पाई आपका साइड वाइज से बनता है, साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग से, तो लेटरल किसके किसके बीच में होगी। लेटरल ओवरलैपिंग कभी भी दो प्लेन के बीच में नहीं हो सकती, दोनों को एक ही प्लेन में होना होगा। तो अगर देखो तो ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन में दिख रहे हैं आपको, और ये वाला एक ही प्लेन में। ठीक है, इसको क्रॉस से बना देते हैं। तो जो दो एक एक प्लेन में है वो पाई बना लेंगे, जैसे इसके और इसके बीच में पाई बन जाएगा वो। ठीक है, और अगर इधर देखो तो इसके और इसके बीच में बन जाएगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, तो दो पाई हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर एक्सिस होती है इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, जबकि सिग्मा का जो क्लाउड होता है वो दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। ठीक है, तो ये है C2H2 का स्ट्रक्चर, अगर हम ऐसे ही बोल दें C2H4 का बनाने को। C2H4 का बताया आपको ऑर्बिटल डायग्राम, देखो C2H4 जो है ना, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन पे देखते ही हमें पता लग गया कार्बन है sp2, ये कार्बन भी sp2 है, दोनों sp2 है। दोनों sp2 होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर देखो तो हमें बॉन्ड कैसे कैसे बनाने, ऐसे है बॉन्डिंग, तो इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा बनेगा एक पाई बनेगा। ठीक है, बनाए? ठीक है, अब इसके sp2 ऑर्बिटल है, तो sp2 ऑर्बिटल तो ट्रायंगुलर होते हैं, देखा है आपने कैसे होते हैं भाई, कार्बन है 1s2, 2s2, 2p2, एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 1s2, 2s1, 2p3, ऐसे हो जाएगा। अब sp2 बनना है तो sp2 बनने में एक s और दो p का, ये दोनों मिल गए और तीन नए ऑर्बिटल बना लिए मैंने। अब अनहाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो एक ही बचा ना, वहां पे दो बचे हुए थे, यहां पे कितने बचे, अनहाइब्रिडाइज एक कार्बन के पास एक ही बचा, तो वो एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ये जो थे ये अनहाइब्रिडाइज थे ना, ये वाले, ये वाले, ये और ये और ये। ठीक है, पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज से बनता है, तो ये अनहाइब्रिडाइज से एक ही बचा तो एक बन जाएगा, और बाकी कैसे हो गए, बाकी sp2 हो गए, तो sp2 में अरेंजमेंट,
जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, इस तरीके का कुछ याद आ रहा है कुछ? 120 के एंगल पे अटैच करा दे, 120 पे देखें बॉन्डिंग कैसे बनेगी, बनाया जाए। चलो भाई बनाते हैं। SP2 का मतलब 120 पे अटैच कराओ तो कुछ ऐसे बना देते हैं, देखो एक ऐसे बना लो, एक ऐसे, सब 120। ये एक कार्बन का है, ठीक है, ये SP2 है, ये SP2 है, ये SP2 है। अब दूसरे कार्बन के भी तो होंगे, तो यहाँ पे वो ओवरलैप करेगा, ये भी SP2 है, देख पा रहे हो? अब चार हाइड्रोजन लगाने, C2H4 का मतलब चार हाइड्रोजन, तो चार हाइड्रोजन के चार ऐसा ऑर्बिटल होंगे, ओवरलैपिंग करा दें, देख पा रहे हो? ये हाइड्रोजन के, ये कार्बन के, ये वाले ऑर्बिटल। तो अगर ओवरलैपिंग देखें तो कौन कौन सी हो, यहां पे हो SP2 और S के बीच में, यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी हुई SP2 और SP2 के बीच में, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में भी हमने पांच सिग्मा तो दिखाए ही थे, बन गए पांच सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड दिखे तो एक सिग्मा, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिखे तो 1 सिग्मा 1 पाई। अब 1 पाई को दिखाना रह गया, दिखा देते हैं, क्योंकि इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज था, तो अनहाइब्रिडाइज ऊपर की तरफ यहां दिखा दो कार्बन के पास, देख पा रहे हो? ये बना लेगा पाई बॉन्ड। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो पूछ लीजिए। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो आज हमने बात करी किसकी, बॉन्ड एनर्जी की बात की, बॉन्ड लेंथ की बात की, अब बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, और इस पे बेस्ड कुछ केसेस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे, जिससे कि हमारा इस पे कैसा क्वेश्चन आता है वो सारी चीज़ें, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है जी।